दोस्तों आज की कहानी है बहू रानी, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ सल किया है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आपने हमारे साथ धोखा किया, समझिए अपनी अंधी बेटी को हमारे भोले भाले बेटे के सर मड दिया है, जिसे चश्मे के बगैर कुछ देखता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए समझिए, इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए कौशल्या जी अपनी समझी शैलेन जी को सुना रही थी और शैलेन जी सुख सा सिर झुकाए कौशल्या जी खरी खोटी सुन रहे थे। आखिर वह ठहरी बेटी के बाप इसलिए जाकर भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और वह भी शादी के कुछ महीनों बाद और पहली मुलाकात के दौरान। इसलिए बिना किसी सफाई के वह अपनी बेटी दीदी से मिलकर घर आते, पर अपनी लाड़ी से मिलकर आने के बाद भी शैले जी का चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखकर सीधी की माँ शंकुतला जी शैलेन जी को कहती हैं, क्या बात है सीधी के पापा, आप जब से सीधी के ससुराल से लौटे कुछ बूझे बूझे से लग रहे, कोई बात हुई क्या वहाँ, अब क्या बताओ शंकुतला। सबधन जी ने इतनी छोटी बात के लिए कितनी खरी खोटी सुनाई। अरे हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, समझदारी संस्कारी है, फिर भी इन सबसे ऊपर समधन जी ने एक छोटी सी कमी को सबसे ऊपर रख दिया। अरे अगर मेरी बेटी चश्मा पहनती तो इसमें बुराई क्या, आँख का पावर ही कमी ना, आंधी तो नहीं है ना, और हमने तो कोई बात दामाद जी से नहीं छुपाई, उन्हें तो पहले से ही पता था कि सीधी चश्मा पहनती, फिर धोखा देने वाली बात कहाँ से आ गई शंकुतला। वह तो सीधी ने मुझे इशारे से मना कर दिया, वरना तो मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा देता। नाराजगी भरे शब्दों से शैलेन जी कहती, अरे अब जाने भी दीजिए सीधी के पापा, गुस्सा करने से क्या फायदा, वो हमारे रिश्तेदार है और हम कुछ कहेंगे तो उसका असर सीधी पर पड़ेगा, इसलिए बोलने दीजिए उन्हें, कुछ दिन ऐसे ही बोलेंगे फिर शांत बैठ जाएंगे। ऐसे भी अभी अभी तो शादी हुई है और सीधी के संस्कार और व्यवहार को वो ठीक से नहीं जानते हैं। जैसे जैसे सीधी उस घर में रमती जाएगी वैसे वैसे उसकी इस कमी को सब भूल जाएंगे, समझते हुए शंकुतला जी कहती है, दरअसल सीधी की आँख बचपन में ही खराब हो गई थी जब वह आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, पर वह कभी चश्मा पहनना पसंद नहीं करती, इसलिए वह आँखों पर लेस पहनती थी, जिसके कारण कौशल्या जी को पता ही नहीं चला कि सीधी की आँख खराब है। पर एक दिन सुबह सुबह कौशल्या जी एक जरूरी कागजात दिए सीधी को पढ़ने के लिए, तो वह ठीक से पढ़ नहीं पाई और अपने कमरे से चश्मा निकल कर लाई और आँखों पर लगा लिया। बस फिर क्या था, कौशल्या जी का पारा सिर पर चढ़ गया और सीधी को कोसने लगी, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ सल किया है, अरे अंधी लड़की को हमारे बेटे के सिर पर मड दिया, अच्छा खासा राजकुमार को स्मिस बीवी मिल गई, लोग क्या कहेंगे कि कैसी लड़की ब्याह कर लाई है जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता। खैर ये सब सुनने के बाद भी सीधी जवाब देना उसी नहीं समझी और वह एक कान से कौशल्या जी की बात सुनती और दूसरे कान से निकल देती। उसे पता था इस विषय पर बहस करना बेकार है, क्योंकि सीधी लाख कोशिश भी करती फिर भी कौशल्या जी को सीधी की कमियां दिख ही जाती। इसलिए समय के साथ सीधी ने कौशल्या जी की बातों को भी पसाना सीख लिया था। समय अपनी गति से बढ़ता गया और देखते देखते सीधी एक बेटी की माँ बन गई। जब सीधी की बेटी परी 5 साल की हुई तो उसे भी आंखों में नंबर आ गया और वह भी चश्मा पहनने लगी। अब तो माँ के साथ साथ बेटी को भी
सचमिच कहने लगी थी कौशल्या जी। जिसे सुनकर एक दिन सीधी का पारा सिर पर चढ़ गया और कौशल्या जी पर इतना जोर से सिलाई कि सारे घर में कुछ पल के लिए खामोशी सा आ गई। खबरदार माँ जी, जो मेरी बेटी को शमशीस बोला तो आज तक मैं बर्दाश्त करती आई, इसका ये मतलब कहते ही मत समझिएगा कि आप मेरी बेटी को भी कुछ से कुछ बोल देगी। मैं और मेरी बेटी सुषमा ही पहनते कोई अपाइज नहीं जो किसी पर बहुत जोरी। सुषमा पहनने में बुराई क्या, आप भी तो अब सुषमा पहनने लगी है तो मैं भी आपको सुषमी कहना शुरू कर दूं और आपकी पोती भी आपको शमशीस दादी कहना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा। और हाँ माँ जी, आपको याद दिला दूँ, आपका नाती भी चश्मा पहनने लगा पर उसे तो आज तक आपने शमशीस नहीं कहा बल्कि उसे पक्ष में आप सफाई देती आई है। और क्या कहती है आप माँ जी, आजकल तो ये टीवी मोबाइल के चक्कर में बच्चों की आँख खराब हो रही। वाह माँ जी, कितना दोहरापन है आपके विचार में, मेरी आंखों पर लगा तो आपने क्या कहा, मेरे माँ बाप ने इसे अच्छा खाना नहीं खिलाया इसलिए इसकी आंख पर चश्मा चढ़ा हुआ। और मेरी बेटी के बारे में क्या कहती हैं कि मैंने उसकी देखभाल और खान पान का ख्याल नहीं रखा इसलिए इतनी कम उम्र में आंखों पर चश्मा चढ़ गया। वाह माँ जी, कितना फर्क करती हैं आप बहू बेटी में, ये बात तो आज सत्य साबित हो ही गया। मुझे लगा था कि आप समय के साथ मेरे गुण व्यवहार को देखकर बदल जाएगी और मेरी इस कमी को भूल जाएगी पर नहीं, आप तो मेरी बेटी यानी अपनी पोती को भी कोसने से नहीं सूखी। अरे जब घर में ही कोसने वाले रहेंगे तो बाहर वाले से कैसे उम्मीद रखेंगे को वो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे। ऐसा कहकर सीधी अपनी बेटी परी का हाथ पकड़कर कमरे में जाने लगती है कि तभी कौशल्या जी पीछे से आवाज देती हैं, मुझे माफ कर दे बहू, मैं ही अंधी थी और मेरी ही आंखें धोखा खा रही थी जो तेरे अंदर की अच्छाई और गुण को ना देकर ऊपरी खूबसूरति को ढूंढने में लग गई। जिस बहू को आज तक मैं ताना देती रही और बदले में पलट कर एक भी जवाब नहीं दिया, उसके गुण व्यवहार को ना देकर मैं उसकी छोटे से दोष की खातिर हमेशा दुख करती रही, मुझे माफ कर दे सीधी बहू।